नमस्कार दोस्तों, आल इन सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ओल्ड वेबसाइट लेकर आया हूँ जी दोस्तों, आपके सामने इस पर पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा इसको, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ये जो आज की जो साइट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये साइट लगभग मैं इस साइट को 4 साल से जानता हूँ जी दोस्तों, 4 ईयर हो गए हैं इस वेबसाइट को हमें जानते हुए। तो बहुत दिनों से ये मार्केट में वर्किंग कर रही है और बहुत ही हाई पेइंग दे रही है और इस समय बहुत ही अच्छा पे आउट भी दे रही है। इस समय आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आप इस वेबसाइट पर कितना काम कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, टोटल चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इस वेबसाइट पर डेली आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही वर्क करना, उससे ज़्यादा कोई वर्क नहीं करना दोस्तों। मुश्किल से अगर मैक्सिमम आपको मैं बता दूं तो 15 मिनट, मिनिमम बता दूं तो 10 मिनट मिनिमम या मैक्सिमम आपको 15 मिनट टाइम निकालना होगा इस वेबसाइट पर। और आप इस वेबसाइट पर कितना वर्किंग कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, ये लाइव आपके सामने दिखाऊंगा और इसका पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस पर मैंने बहुत बार पेमेंट भी लिया है। उससे पहले मैं इस समय प्राइस एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते, अगर जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। ये आपके सामने लाइव में दिखा रहा हूँ, एक बिटकॉइन की प्राइस इस समय 22,48,000 रुपये पहुँच चुके हैं जी दोस्तों। हिस्ट्री में पहली बार, पूरे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बिटकॉइन की कीमत 22,48,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। तो यदि आप क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करना कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही हाई पेइंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्राइस हो चुकी है। तो इसी तरह की मैं वेबसाइट लेकर आया हूँ क्रिप्टो करेंसी के ही ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर जी दोस्तों। आज की जो वेबसाइट है मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ बिटकॉइन के ऊपर करने वाला हूँ कि इस पर बिटकॉइन कमा सकते हैं। हाँ, यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम है बिटकॉइन क्या चीज़ है, इसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ लेते हैं अगर इंडिया से हैं, तो आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा कि कैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में खूब ईजी तरीके से ले सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको प्रॉपर एक लाइव वीडियो भी करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में खूब इजी तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की साइट दिखाते हैं और इस साइट पर आप डेली कितना कमा सकते हैं और कितना देर वर्किंग करना है, ये तो मैंने पहले बता दिया हूँ कि आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वर्किंग करना है, और कितना कमा सकते हैं ये आपको आगे बताने वाला हूँ कि 15 मिनट में आप इस पर कमा कितना सकते हैं, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा ही निवेदन है, बहुत ही छोटी सी है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये वाली जो वीडियो यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिएगा और बगल में बेल आइकन मिल जाएगा, इसको दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए आज की साइट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर ये वाली साइट है, आप देख सकते हैं, और इस साइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसका पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि अभी इस वेबसाइट पर अभी इस समय आज के डेट में 619 सतोशी अभी अर्न कर सकते हैं, यानी 15 मिनट के अंदर 619 सतोशी की अर्निंग कर लेंगे 10 से 15 मिनट में, ठीक है दोस्तों, 619 सतोशी। अब मैं आपको बता दूँ कि 619 सतोशी की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता दोस्तों कि अगर 10 मिनट में, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 मिनट में आप 150 रुपये की अर्निंग कर ले जाते हैं, तो क्या आपको ये कम दे रही है साइट? डेली अगर आपको 10 मिनट ही वर्किंग करना है और आपको 150 रुपये अर्निंग हो जा रहे हैं, तो सोचिए, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर 10 सतोशी की वैल्यू करीब 2 रुपये से अधिक की है जी दोस्तों, 10 सतोशी की वैल्यू 2 रुपये से अधिक की है, यानी 619 सतोशी दे रहे हैं, लगभग 120 या 130 रुपये के करीब में आपको मिल जाएंगे सिर्फ 10 मिनट काम करके जी दोस्तों। ओनली 10 मिनट काम करके 100 रुपये से अधिक की अर्निंग कर लेंगे दोस्तों, और ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन इस पर वर्किंग ही करना, सिर्फ 10 मिनट ही करना है। ये आपके सामने लाइव में करने वाला हूँ और पेमेंट भी दिखाऊंगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करके छोड़ कर जाइएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आपको आने वाली है, ओके दोस्तों। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ इस पर कैसे वर्किंग करना। सबसे पहले तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा साइनअप पर, ठीक है, तो आपको साइनअप पर कर लेना है क्लिक, इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से उठा लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, आपको बिटकॉइन का एड्रेस डालना है, उसके बाद आपको 8 करेक्टर का यहाँ पर पासवर्ड डालना है दोस्तों, उसके बाद स्क्रिप्चे को डालना है, उसके बाद साइनअप करना है। अब आप सोचेंगे बिटकॉइन का एड्रेस कहाँ से लेंगे? यदि आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो आप जानते होंगे, यदि आप क्रिप्टो करेंसी में नहीं काम करते हैं
तो आप कॉइनबेस या ब्लॉकचेन पर बना सकते हैं अपना आईडी, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा कि किस तरह से कॉइनबेस या ब्लॉकचेन पर किसी पर भी एक वैलेट पर मैं आपको बना के दे दूंगा कैसे आपको वहाँ पर वैलेट को अपना बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से बिटकॉइन का एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ से आपको एड्रेस को उठाना है दोस्तों, यहाँ पर डालना है और डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना, साइनअप करना है। यदि आपके मेल पर कोई मेल जाता है वेरिफिकेशन लिंक, तो आप उस लिंक को क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा। मुझे आइडिया नहीं है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने इस साइट पर 4 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था। और हमेशा पे आउट का भी मेथड बदलता है, हमेशा साइट भी अपना अपना नियम अपडेट करते रहते हैं। तो अभी मेल जाता है कि नहीं जाता ये मुझे आइडिया नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर मेल पर कोई लिंक जाता है तो वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए अपने अकाउंट को यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना होगा जो रजिस्ट्रेशन करते समय डालने थे, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है जो लॉगिन आपको रजिस्ट्रेशन करते समय डाले थे। पासवर्ड डालने के बाद आपको इस कैप्चे को सॉल्व करना होगा। भाई जो अगर आपको ये कैप्चा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कैप्चा को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर री कैप्चा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला कैप्चा मिल जाएगा, तो इस कैप्चे को आपको सॉल्व कर देना है। उसके बाद अपने अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अभी मेरे पास जो बैलेंस है 7443 सतोसी है मेरे अकाउंट पे। आप देख सकते हैं 7443 सतोसी है मेरे पास दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कैसे वर्किंग करना है सारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार्ट अर्निंग BTC का, ठीक है। या तो आप यहाँ पर क्लिकिंग कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर एक्टिव विंडो सर्फिंग एड्स और एक और ऑप्शन है आपको ऑटो सर्फिंग है, ठीक है। ये तीन मेथड है अर्निंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट अर्निंग BTC पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस पर आप पहले अर्निंग करना चाहते हैं। जो मेथड मैंने आपको यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ देखिए, एक्टिव विंडो सर्फिंग है और ऑटो सर्फिंग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही है, सर्फिंग ऐड है, ऑटो सर्फिंग, एक्टिव विंडो, ठीक है। तो सर्फिंग ऐड पर मैंने पहले क्लिक कर देता हूँ। तो ओके दोस्तों, तो सर्फिंग ऐड पर मैंने क्लिक किया, पहले इसको वॉच करके देख लेते हैं। तो पहली बार जैसे क्लिक करते हैं आपको कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चे को सॉल्व कर देना है। अगर आप चाहें तो वहाँ से कैप्चा चेंज कर सकते हैं। मैंने कैप्चे को सॉल्व कर दिया। आप देखिए जैसे सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 14.7 सतोसी मिलेगा अगर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे ओपन लिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक नया टैब खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पर एक नया टैब खुला। तो इसको आपको क्लोज नहीं करना है, कब तक ले जब तक ले आपको इस पर आना है। देख सकते हैं यहाँ पर टाइमलाइन एक चालू हो गई है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेकेंड का टाइमलाइन चालू हुआ है, और ये जैसे ही टाइमलाइन समाप्त होगी वैसे हमें 14.7 सतोसी मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरा बैलेंस नोट कर लीजिए 7443 सतोसी है। तो जैसे ही ये बैलेंस यहाँ पर ये टाइम समाप्त होता है वैसे हमें बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ टाइम समाप्त हो चुका है और यहाँ पर हमें 14.47 सतोसी अर्निंग हो गई। मेरा बैलेंस नोट कर लीजिए 7458 सतोसी हो गए, ठीक है। अब जो ऐड ये खुला था, टैब खुला था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब देखिए फिर यहाँ ओपन लिख दिया, ठीक है। तो फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है, फिर आपको 12.6 सतोसी मिलेंगे। तो इस तरह से आपको क्लिक करना है, इस तरह से आपको अर्निंग करना है। तो ऐसे तो पहला मेथड आपको अर्निंग करने का मिल गया, ठीक है। अब चलिए सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, इसी तरह से आपको अर्निंग करना है। सेकेंड आपको मेथड है आपको एक्टिव विंडो और ऑटो सर्फिंग, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक्टिव विंडो दिखा देता हूँ। तो एक्टिव विंडो पर मैंने क्लिक कर दिया, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 10 सेकेंड में हमें 5 सतोसी मिलेंगे। कुछ नहीं करना, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए मैं क्लिक करके दिखा दूँ। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक देखिए पेज खुला। आपको अब इस पेज पर नहीं जाना, इसी पेज पर एक्टिव विंडो है यानी इसी पेज पर एक्टिव रहना है आपको, ठीक है। इस पेज को आपको क्लोज नहीं करना है, तो इस पेज पर आपको एक्टिव रहना। अभी यहाँ पर एक टाइमलाइन चालू हो गई, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक टाइमलाइन चालू हो गया। जैसे ही टाइमलाइन समाप्त होगी हमें 5 सतोसी की अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह से आपको वर्किंग करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक दबाइएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या बोला, प्लीज चूज 1-2 सिमिलर इमेज, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज चूज करना है जो सिमिलर है, ठीक है। तो ये वाला दोनों सिमिलर है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं चूज, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से हमें अर्निंग हो जाएगी। तो देख सकते हैं 5.6 सतोसी की अर्निंग हुई। अब मैं इस टैब को बंद कर देता हूं दोस्तों, ओके। अब आपको रही बात कि तीसरा मेथड अर्न करने के लिए, तो तीसरा है ऑटो सर्फिंग। तो ऑटो सर्फिंग पर मैं क्लिक कर देता हूं। ऑटो सर्फिंग में आपको कुछ नहीं करना, अब इसी तरह आपको छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक अर्निंग होती रहेगी। कोई इस पर वर्किंग नहीं करना, ऑटोमेटिक ये सारे चीज़ होगा।
देख सकते हैं यहाँ पर टाइम लाइन चालू हो गई है, ठीक है। और ये देखते हैं कि टाइम लाइन समाप्त होने के बाद हमें कितना सतोशी की अर्निंग होती है और कैसे वर्किंग करना, ठीक है। तो कुछ सेकंड बचे हैं, तब तक ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम समाप्त हो गया है और यहाँ पर हमें जो अर्निंग हो चुकी है कितने सतोशी की, तो 2.8 सतोशी की अर्निंग हो गई है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक आपको अर्निंग होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना बैलेंस नोट करा देता हूँ, यहाँ से पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पेज को एक बार रेफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं 7466 सतोशी हमें यहाँ पर हो चुके हैं। इस तरह से आपको इस पर वर्किंग करना है। अब चलिए एक और मेथड आपको दिखाता हूँ रेफरल सिस्टम का। यहाँ रेफर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर रेफर लिंक मिल जाएगा। इस साइट को अपने सोशल मीडिया साइट पर आपको शेयर करना है। वहाँ से अगर आपके कुछ दोस्त ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ से कुछ कमीशन की अर्निंग होगी और यहाँ से आप कुछ कमीशन पा सकते हैं। इस तरह से आपको वर्किंग करते रहना दोस्तों। अब रही बात की पेमेंट की, कि इतना तो हमने कर लिया, अब पेमेंट हमें कैसे रिसीव होगा, ठीक है, पेमेंट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बेसिकली आपको इसी तरह से वर्किंग करना है। अब पेमेंट की बात करो तो पेमेंट आपको लिए आपको विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है सामने आके, तो यहाँ विड्रॉ पर आपको क्लिक कर देना। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि टोटल पेड आउट यहाँ पर 93,052 सतोशी की मैंने पेमेंट ले चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पेड पेड दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पेड। तो एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ जो मेरे बैलेंस यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए हैं, ये बहुत पहले का मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो हमेशा पेमेंट मेथड भी बदला है, कि आपको हर पेमेंट मेथड थ्रेशोल्ड बैलेंस बदला है, कि कब कितना आप पेमेंट लगा सकते हैं। एक लिमिट होती है कि कभी आपको 15,000 सतोशी हो जाएंगे तब लगाएंगे, कभी 30,000 हो जाएंगे तब लगाएंगे, कभी 5,000 सतोशी हो जाएगा तब लगाएंगे। हमेशा मेथड बदलता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, तो हमेशा बदलता रहता है। तो ये पहले का पेमेंट मैंने लगाया हुआ है, लिया है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 17, सन 2017 में इस साइट से मैंने यहाँ पर एक पेमेंट लगाया था। देख सकते हैं सन 2017, आज से 4 साल पहले की मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सन 2017 में लगाया था, ये भी सन 2017 में पेमेंट लिया था, ये 2018 में मैंने पेमेंट लिया था, और यहाँ पर देख सकते हैं सन 2019 में मैंने पेमेंट लिया था, ठीक है। इससे तो आप क्या है कि अब पेमेंट का मेथड बदल चुका है, अब कुछ और पेमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, कुछ और बैलेंस थ्रेशोल्ड बैलेंस हो गए हैं, चलो चलिए देखते हैं। अगर आप डायरेक्ट बिटकॉइन के वैलेट पर लेना चाहते हैं तो यहाँ BTC एड्रेस पर क्लिक करेंगे और आपके पास मिनिमम बैलेंस 45,000 सतोशी होगा तब लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर बिटकॉइन की एड्रेस पर डायरेक्ट बिटकॉइन की वैलेट पर लेते हैं, उसके बाद यदि आप बिटकॉइन पर नहीं लेना चाहते हैं तो आप, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि फॉसेट पेपर लीजिएगा, ठीक है। फॉसेट पेपर मिनिमम के साथ उठे, तो आपको यहाँ पर फॉसेट पेपर क्लिक करना है। फॉसेट पेपर क्लिक करने से पहले आपको देख सकते हैं फॉसेट पे का एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको आपको ऑप्शन मिलेगा फॉसेट पे का एड्रेस डाल देने के लिए, उसके बाद फॉसेट पेपर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, और फॉसेट पेपर डालने के बाद आपको यहाँ बैलेंस डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा आपको पासवर्ड डालना है, जो लॉग इन करते समय पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद विड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर लगा के विड्रॉल दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद विड्रॉ पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं फॉसेट पेपर कितना बैलेंस है, कितना आप कर सकते हैं। तो फॉसेट पेपर दोस्तों 5,000 मिनिमम बैलेंस है, तो मैंने विड्रॉ यहाँ पर लगा दिया, विड्रॉ प्रोसेसिंग में चला गया, और ये 3 दिन के बाद ये हमें पेमेंट मिलेगा। तो जैसे हमें पेमेंट मिलेगा मैं अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है, मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। यहाँ देख सकते हैं मेरा बैलेंस 0 हो चुके हैं। तो जैसे ये पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगा मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 दिन के बाद हमें ये पेमेंट रिसीव होगा। ओके, 3 दिन के अंदर भी पेमेंट रिसीव हो सकते हैं। तो जैसे पेमेंट हमें रिसीव होगा मैं आपको यहाँ पर कम्युनिटी टैब में अपने डाल दूंगा। तो आप वीडियो को जरूर, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जैसे पेमेंट मिलता है मैं आपको डाल दूंगा। तो इस तरह से वर्किंग करना है, इस तरह से आपको पेमेंट लेना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दबाइएगा। अगर चैनल पर नया है, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और बेहतरीन और अच्छी वीडियो के साथ।